पंजाब कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी जारी है। चंडीगढ़ में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन में पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब यूथ कांग्रेस प्रधान बरिंदर ढिल्लो में बहस हुई। सिद्धू ने कहा, कुछ चेहरों के चलते कांग्रेस हारी लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो ढिल्लो ने कहा, आप नाम लीजिए, कौन लोग हैं वो। इस तलखी में सिद्धू महंगाई के लिए बुलाए गए विरोध प्रदर्शन में पुलिस बैरिकेडिंग की तरफ चल पड़े, लेकिन बाकी कई बड़े लीडर उनके साथ वहां नहीं गए। सिद्धू दो तीन नेताओं के साथ 5 मिनट धरने पर बैठे, फिर कांग्रेस का प्रदर्शन खत्म हो गया और कलह एक कदम आगे बढ़ गई। पंजाब विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस के तमाम नेता इकट्ठा तो हुए थे महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने और जनता को अपने साथ जोड़ने के इरादे से। इस धरने में तमाम दिग्गज नेता जुट गए थे। सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन जैसे ही पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने धरने में अपना भाषण देना शुरू किया, तभी वहाँ पर हंगामा मच गया। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू ने इशारों में ही पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की ओर इशारा करते हुए ये कह दिया कि वो किसी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन कुछ नेता ऐसे भी हैं जिनके घरों से पैसे बरामद हुए हैं। सिद्धू ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को बेईमान बता दिया, तो इसी बात पर वहां मौजूद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं समेत कई सीनियर नेता भड़क गए। इस बीच पंजाब यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बरिंदर ढिल्लो ने तो सिद्धू को बीच में ही टोक दिया, जिसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू धरने से चलते बने। इस दौरान सिद्धू तो मीडिया के सवालों से बचकर निकल गए, लेकिन कई सीनियर कांग्रेस नेताओं ने सिद्धू को अनुशासन में रहने का पाठ पढ़ा दिया और याद दिलाया कि ये धरना आपसी अंतर्कलह को लेकर नहीं था, बल्कि जनता से जुड़े महंगाई के मुद्दे पर था। मेरे को लगता है यार, डिसिप्लिन में तो रहना चाहिए, चाहे कोई बड़ा नेता है चाहे कोई छोटा नेता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, जब महंगाई की बात है तो महंगाई की बात ही करनी चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति को एजेंडे के ऊपर बात करनी चाहिए। एजेंडा इज महंगाई का एजेंडा, उसके ऊपर बात करनी चाहिए किसी को भी, और इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए। जब इधर उधर की बात होगी तो तब इधर उधर सारे के सारे करीब करीब एक बात थे, अखीर में थोड़ा सा 1921 हो गया। इन बातों में हमें नहीं, 1921 हो गया, लेकिन हो गया, हुआ, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। क्या कहते हैं, क्या हो गया सर, क्या हो गया, दैट इज ऑन कैमरा। भाई भाई, शुड वी टेक समवनस नेम, हमको इन बातों में तो महंगाई की बात करते हैं, महंगाई के ऊपर धरना होना चाहिए। महंगाई पे धरना था, मुझे, अब मैं क्या सीनियर नहीं हूँ, मुझे बोलने का टाइम नहीं दिया तो मैं उठ के कह दूं, मुझे बोलने दो नहीं। इस दौरान धरने में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जुटे और महंगाई के मुद्दे पर चर्चा भी हुई और एक बार के लिए प्रोटेस्ट मार्च निकालने के लिए कार्यकर्ता चल भी पड़े। कांग्रेस पार्टी ने, बीजेपी का नारा है कि कांग्रेस मुक्त भारत, और हमारा कांग्रेस का नारा है कि महंगाई मुक्त भारत। तो आज हम महंगाई के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पे उतरे हुए हैं, और कांग्रेस पार्टी उस दिन तक लड़ती रहेगी जब तक ये महंगाई कम नहीं हो जाती। मोहित, आम आदमी पार्टी पंजाब जीतकर हिमाचल की तरफ बढ़ लिए, वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं चुनाव के लिए, गुजरात में कर रहे हैं, यहाँ पंजाब में कांग्रेस का अंतर्कलह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। जी देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आज का अगर हम देखें पूरा घटनाक्रम, तो केंद्र सरकार के खिलाफ धरना था, जनता से जुड़े मुद्दे पर आलाकमान के निर्देश पर यह धरना बुलाया गया था और एक यूनाइटेड फ्रंट दिखाने की कोशिश भी की गई थी, और मैं आपको बताऊं काफी हद तक कामयाब भी रहे थे। कांग्रेस के तमाम सीनियर नेता वहां पर पहुंचे हुए थे,
हालांकि जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू, उनका तो इस्तीफा ले लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी नाराजगी भुलाकर इस धरने में पहुंचे। लेकिन वहां पर कई नेता ऐसे थे जिनको नवजोत सिंह सिद्धू की मौजूदगी चुभ रही थी। आग में घी डालने का काम किया नवजोत सिंह सिद्धू के भाषण ने। उन्होंने महंगाई पर बात करते करते जो अपनी पार्टी की हार हुई है उसको लेकर वहां पर बात करनी शुरू कर दी। उन्होंने इशारों इशारों में चरणजीत सिंह चन्नी और उनके परिवार पर हमला बोल दिया। इसके अलावा उन्होंने जो हार हुई उसको लेकर भी कई नेताओं को इनडायरेक्ट वे में जिम्मेदार ठहरा दिया, और यही बात वहां पर कई लोगों को नागवारा गुजरी है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू पूरे पंजाब विधानसभा चुनाव में किसी भी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने नहीं गए। सिद्धू को लेकर नाराजगी नेताओं में थी, और जैसे ही उन्होंने हार के लिए ठीकरा दूसरे नेताओं पर फोड़ने की कोशिश की तो वहां पर सबसे पहले यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीरेंद्र सिंह ढिल्लो, जो कि रोपड़ से चुनाव लड़े, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी से हार गए, उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को खरी खोटी सुनाई। इसके अलावा यूथ कांग्रेस के कुछ और नेता खड़े हो गए। उन्होंने कहा, जी आप हमारे इलाके में चुनाव प्रचार करने नहीं आए और हार के लिए दूसरे लोगों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो कुल मिला के ये जो महंगाई को लेकर पूरा वहां पर धरना चल रहा था, काफी अच्छे तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया गया था, लेकिन अंत में नवजोत सिंह सिद्धू जब वहां पर पहुंचे, उनका भाषण हुआ, तो उसके बाद पूरा अंतरकलह खुलकर सामने आ गया। राणा गुरजीत को आपने सुना, जो सीधे तौर पे उन्होंने ये भी कह दिया कि मेरे जैसे सीनियर नेता को बोलने नहीं दिया गया। हालांकि सुनील जाखड़ वहां पर नहीं पहुंचे थे, लेकिन इसके अलावा पूरा एक यूनाइटेड फ्रंट दिखाई दे रहा था। लेकिन सिद्धू ने, ऐसे लगता है कि जो बात बंद जुबान से चल रही थी वहां पर लोगों के नेताओं के मन में थी, उसमें एक तरह से आग में घी डाल दिया। इसी वजह से उनको इतना भारी विरोध वहां पर झेलना पड़ा। और मैं आपको बताऊं, जब सिद्धू बैरिकेड पर पहुंच गए धरना देने के लिए, तब भी उनके साथ कोई सीनियर नेता नहीं था, कोई विधायक नहीं था, कोई पूर्व विधायक नहीं था। सिद्धू अकेले ही अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर बैठे, एक सिंबॉलिक धरना दिया, मीडिया से कोई बातचीत नहीं की और वहां से चलते बने। मोहित, आखिरकार सिद्धू का ये टेंट्रम खत्म क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि उनके खुद का परफॉर्मेंस इतना बढ़िया रहा हो कि वो बाकी नेताओं को खरी खोटी सुना सकें। आखिर इनका टेंट्रम अभी तक खत्म क्यों नहीं हो रहा? पंजाब में नेताओं का क्या कहना है कि आखिरकार ये अंतरकलह कब तक चलेगा? देखिए, पंजाब कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा है जो ये मानता है कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी को आगे लाया गया, और चरणजीत सिंह चन्नी काम कर रहे थे, उनकी एक इमेज बनाई जा रही थी, जैसे हमने एक चर्चा होने लगी थी पंजाब में कि जैसे फिल्म नायक में अनिल कपूर ने एक दिन के अंदर काम कर दिया था, वैसे चरणजीत सिंह चन्नी जो उनके पास करीब 3 से 4 महीने का वक्त है उसमें करके दिखाएंगे, लेकिन उनको काम करने नहीं दिया गया। नवजोत सिंह सिद्धू हर दूसरी बात पर नाराज रहे और इसी का खामियाजा उठाना पड़ा। और चरणजीत सिंह चन्नी को जब सीएम चेहरा घोषित कर दिया गया, तो उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने खुद को, जो उनका विधानसभा क्षेत्र था अमृतसर ईस्ट, वहीं पर केंद्रित कर दिया। वो बाहर कहीं चुनाव प्रचार करने नहीं गए, हालांकि उनकी डिमांड थी। वो एक पार्टी के हाई प्रोफाइल नेता हैं, सेलिब्रिटी हैं, कई प्रत्याशी ऐसे थे, वो चाह रहे थे कि नवजोत सिंह सिद्धू उनके इलाके में आए, चुनाव प्रचार करें। नवजोत सिंह सिद्धू की मांग भी हुई, लेकिन सिद्धू बाहर नहीं निकले, और उसके बावजूद अपनी अमृतसर ईस्ट विधानसभा सीट वो आम आदमी पार्टी से हार गए। इसी वजह से सिद्धू को लेकर नाराजगी है कि जब आपके पास कुछ है ही नहीं, आप कुछ प्रूव ही नहीं कर पाए, तो किस बात की आप अभी भी आप रुआब दिखाते हैं? अभी भी जब सोनिया गांधी ने आपसे इस्तीफा ले लिया, तो उसके बाद फिर नवजोत सिंह सिद्धू जगह जगह जाकर अपने जो उनके पक्ष में कई नेता आ सकते हैं उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी चले, उनको एक बार फिर से पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का पद मिले, ऐसी भी बातें निकल कर आ रही हैं। और यही बात जो सीनियर कांग्रेस के नेता उनको पसंद नहीं है। आपको याद होगा रवनीत सिंह बिट्टू का एक बयान जिसमें उन्होंने कहा कि अगर सिद्धू से कांग्रेस किनारा कर ले तो पंजाब में कांग्रेस का भला हो जाएगा। तो यही बात कई सीनियर कांग्रेसियों के मन में है, सिद्धू को वो लोग पसंद नहीं कर रहे कि सिद्धू को फिर से आगे फ्रंट लाइन में लाके कांग्रेस खड़ा कर दे, और इसी की नाराजगी, इसी का गुस्सा इस धरने में दिखाई दिया। बिल्कुल मोहित, एक और बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आज हुआ कि गुजरात में भी चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, और गुजरात में अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने आज कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात की, और उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात में जो हो रहा है या कैप्टन के साथ जो हुआ, यदि उनके पिता जिंदा होते तो वैसा कुछ भी नहीं होता। देखिए, यही बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुछ प्रिंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको एक इंटरव्यू दिया है, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिस तरह से हटाया गया वो गलत था, और उसके बाद अगर फायदा लेना था तो चरणजीत सिंह चन्नी को भी ठीक से काम नहीं करने दिया गया। तो ये बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे नेता अगर कह रहे हैं, तो अहमद पटेल के बेटे अगर जाकर मिल रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह से, तो वो दिखाता है कि कई ऐसे सीनियर कांग्रेसी थे उस समय, हमने जब ये पूरा घटनाक्रम हो रहा था
तब अंबिका सोनी ने भी नाराजगी दिखाई थी, उन्होंने कहा था कि एक वरिष्ठ नेता को इस तरह से हटाना ठीक नहीं है, उनसे बातचीत करके कोई बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए था, उनको बताया जाना चाहिए था, उनको अपने अपनी गुड बुक्स में लेके उनको राजी किया जाना चाहिए था कि अब आपका वक्त गया, आप किसी दूसरे नेता को आगे जाने आने दिया जाए। लेकिन उस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू के इशारे पे सब कुछ हुआ, लेकिन जब नवजोत सिंह सिद्धू को सीएम की कुर्सी नहीं मिली तो उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी आगे निकला है, वो सीएम की कुर्सी पर उनको आलाकमान ने बिठा दिया, तो ये बात को लेकर भी लड़ाई जारी रही। तो ये बिल्कुल सही है कि अभी भी कई ऐसे पुराने विधायक वो मानते हैं कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया जाना था तो उसके बाद जिस व्यक्ति को सीएम पद पर बिठाया गया यानी चरणजीत सिंह चन्नी, उनको फ्री हैंड दिया जाना चाहिए था, उनके साथ नवजोत सिंह सिद्धू को काम करना चाहिए था, लेकिन सिद्धू उनके रास्ते में रोड़े अटकाते रहे, अपनी सरकार के कामकाज पर चुनाव के ठीक पहले वो सवाल उठाते रहे और इसी का खामियाजा उठाना पड़ा। ये बात यहां पर कई सीनियर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी वही बात कह रहे हैं जो कि अहमद पटेल के बेटे कह रहे हैं। मोहित, एक सवाल और कि जब से चुनाव हुआ है, चुनाव के नतीजे आए हैं और आम आदमी पार्टी की का तगड़ा परफॉर्मेंस रहा है, चरणजीत सिंह चन्नी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, क्या आज वो इस प्रोटेस्ट में आए थे? देखिए, चरणजीत सिंह चन्नी प्रोटेस्ट में तो नहीं थे, लेकिन मैं आपको बताऊं, वो प्रोटेस्ट की बजाय उन्होंने एक दूसरा, हम कह सकते हैं कि एक सिक्सर जड़ा, और वो दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली जाकर उन्होंने राहुल गांधी से आज मुलाकात की है, राहुल गांधी से उनकी बातचीत हुई है। और ये भी कुछ खबरें निकल कर आई कि चरणजीत सिंह चन्नी खुद की पैरवी कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि उनको नुकसान उठाना पड़ा अंतरकलह का और उनको अध्यक्ष पद दे दिया जाए। तो अब जो पूरी लड़ाई है वो दो चीजों को लेकर कांग्रेस में चल रही है, एक है पंजाब कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, जिसके लिए नवजोत सिंह सिद्धू भी पूरी तरह से फ्रंट फुट पर आकर मैं कह सकता हूं कि बैटिंग कर रहे हैं। दूसरा, नवजोत सिंह सिद्धू चाहते हैं कि पंजाब विधानसभा में जो नेता विपक्ष का पद है, जो कि एक कैबिनेट मंत्री की रैंक होता है, वो कांग्रेस को मिलना है, लेकिन उस पर वो चाहते हैं कि उनका कोई पसंदीदा व्यक्ति ही बिठाया जाए, लेकिन ऐसा मुश्किल है क्योंकि प्रताप सिंह बाजवा सीनियर नेता के तौर पर वहां पर है, सुखजिंदर सिंह रंधावा वहां पर है, अमरिंदर सिंह राजावडिंग है, तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा है, तो एक काफी बड़े ऐसे नेता है जो कि सिद्धू के एंटी है और आलाकमान से सीधी उनकी बातचीत है, तो ऐसे में सिद्धू की चलेगी नेता विपक्ष के पद को लेकर ऐसा नहीं लगता। और चरणजीत सिंह चन्नी भी इसी वजह से पैरवी कर रहे हैं अपने लिए, वो यहाँ प्रोटेस्ट में तो नहीं पहुंचे लेकिन दिल्ली जाकर उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की है, काफी लंबी उनकी बातचीत हुई है और माना जा रहा है कि वो खुद को अब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए भी प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल मोहित, पंजाब में राजनीति इस वक्त बहुत दिलचस्प मोड़ पे है, आप लगातार नजर बनाए रखें, हम आपसे रेगुलर अपडेट्स लेते रहेंगे। सियासत की बात में आज इतना ही।